वेल हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्रार और आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स। अच्छा जी, एक छोटी सी वीडियो है और वीडियो ये कह लें कि इंटरेस्टिंग मज़ेदार उनके लिए होने वाली है जिनका कह लें कि बाइक में सेफ गार्ड लगा हुआ है या आयरन वर्क हुआ है, क्योंकि जो आयरन वर्क यहाँ पर हो रहा है उस पर जो सो कॉल्ड कह लो कि जो पाउडर कोटिंग कहते हैं, जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, और वो हम देख चुके हैं बहुत सारी बाइकों में कि वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि वो मुश्किल से कोई है 2-3 महीने बाद जो है वो उतरना शुरू हो जाता है और पूरे पूरे पैचेस बन जाते हैं जिसमें आपको जंग नज़र आता है। इसी लोकेशन पे पिछली मैंने वीडियो जो अपनी GS की बनाई थी उस वीडियो में जो है आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लिप उसका, तो आप देखोगे क्या हालत हुई जो आयरन वर्क है उसकी तकरीबन 1.5 साल में। तो अब कुछ क्रिएटिव करने का मूड हुआ, अब इसको पेंट पर अगर करने को मैं देता तो वो चक्कर ये था कि पेंट पे 5,000 उसके मांग रहे थे, फिर जाना लेके आना उसका खर्चा लगा, आजकल पेट्रोल आपको पता है किस रेट पे पहुंचा हुआ है, तो उससे बेहतर समझा कि कुछ खुद क्रिएटिव किया जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाता हूं कि भाई ये इसका क्या हल निकालने वाला हूं मैं। अच्छा जी, जो आपने पाउडर कोटिंग हटानी है उसका तरीका ये है कि आप तो या इससे आप जला लो इसको कलर को, ये जल के ही उतरता है, अगर इसके ऊपर आप डायरेक्ट करोगे कोई भी पेंट तो वो फटेगा। ये आप इस तरह से भी कर सकते हो या घर के ऊपर चूल्हे के ऊपर भी इसको जला सकते हो, उसके बाद वायर ब्रश ऊपर यूज़ करके, रेगमाल यूज़ करके इसको आप साफ़ करके फिर ऊपर पेंट करो, डायरेक्ट मत कीजिएगा इसको। ओके जी, तो ये लेग गार्ड है जिसको मैंने ऑलरेडी जो है ऑयल पेंट कर दिया है, और ऑयल पेंट बिल्कुल सादा वाला है जो आप किसी भी पेंट की शॉप से मिल जाता है। ये आप डिब्बी देख रहे हो, ये है, ये 250-300 का, डिपेंड ऑन कंपनी कौन सी कंपनी का किस क्वालिटी का यूज़ करो, तो ये मुझे 300 का मिला था। फिर ये जो रोप्स मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ, ये भी इसमें साइजेस आते हैं अलग अलग। अब ये वाला जो रोल है मुझे इसकी थिकनेस आप देख लो कुछ इस तरह की है, MM में एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि ये लेग गार्ड पे यूज़ करने के लिए अच्छी थिकनेस है, अच्छा स्टाइल बन जाएगा। तो ये 300 का मिल गया था मुझे, ये 130 का मिला था, ये मैं आगे के जो फ्रेम पे है मतलब जो हैंडल पे है मेरा या बैक साइड पे वहाँ यूज़ कर सकता हूँ। उसके साथ एल्फी चाहिए होगी इसको, जब आप घुमा रहे होगे तो उसको रोकने के लिए। तो ये इस तरह से है, ये ऑयल पेंट मैंने किया था ठीक है पहले, तो एक तो ये है कि जो रस्ट हमारा बहुत ज़्यादा आता है उसको ये सेव करेगा। फिर स्टाइल की बात है भाई, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। अब मुझे एक आइडिया आया तो वो मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जैसे कह लो कि बाहर मुल्कों में मैं देखा इस तरह की बाइक्स बनाते हैं जिसमें रफ़ लुक देते हैं, ज़्यादातर ब्रेट वाली बाइक स्टाइल में जो बनती है उनमें होता है, तो आप ये जो है स्टाइल कर सकते हो, स्टाइल अच्छा लगता है। तो चले जी, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और दिखाता हूँ ये रेडी कैसे होता है और कैसा लगता है। ओके जी, ये दोनों साइडें कर ली हैं मैंने कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद ये जो है कुछ इस तरह से लग रहा है, और ये है कि बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी मैं करूँगा पे बाइक पे फिटिंग करने के बाद जो है कंप्लीट आपको दिखाता हूँ कि बाइक ये सब कुछ करने के बाद कैसी लग रही है। मेहनत बहुत लगी है, अगर अब तक आपने यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। चलें जी, इसको मैं कंप्लीट करता हूं फिर फिटिंग के बाद आपको दिखाता हूं।
ओके जी, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी और कुछ भाइयों के काम भी आ जाएगी जिनका सेफ गार्ड अमूमन जो पाउडर कोटिंग वाला होता है वो ख़राब ही होता है, तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से घर में कर सकते हो। और उसके अलावा ये है कि नीचे मैंने थोड़ा सा येलो का कह लें कि पैच दिया था, जो कलर किया था रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर, और वही मैंने ऊपर जो है वाइट छोड़ा है क्योंकि वाइट इस तरह से अच्छा लग रहा था। बाकी ये है कि आप कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से भी पसंद कर सकते हो, ये मुझे दिल था येलो करूँ इसको तो मैंने किया। बाकी ये है कि अब मुझे दे इजाज़त, इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।